विसर्जन वाले प्रतिमा, विसर्जन वाले 16 जगह के पूजा कमेटी के लोग आए हैं ना जी, कोविड और चुनाव दोनों को लेकर के कुछ कुछ हम लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन दोनों प्रतिबंध के मध्य में रखते हुए पूजा करी, कोई दिक्कत नहीं है पूजा के समय विसर्जन के लिए जुलूस वगैरह निकालते थे या हो सकता अलग अलग शहरों में व्यवस्था रहती है जहाँ पर लोग दूसरे से मिलते हैं, पूजा करिए और विसर्जन के दिन जो है विसर्जन कितनी तारीख को होगा? 26 तारीख को तो उसी पर हम लोग पर्चा सब छपवा लिए थे, 26 को रात में उठा के सब वैसा कोई जुलूस का लाइसेंस नहीं मिलने जा रहा। दुर्गा पूजा कमेटी के जो मेम्बरान हैं और उसके पदाधिकारी हैं उनके साथ और SDPO साहब और संबंधित थाना प्रभारी जो हैं उनके साथ बैठक की गई है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चूँकि 28 तारीख को लखीसराय के 2 विधानसभा क्षेत्र में जो है मतदान होना है, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए और कोविड को ध्यान में रखते हुए यह दिशा निर्देश दिया गया है कि 26 को मॉर्निंग तक मतलब 25 के रात से लेकर के 26 के मॉर्निंग तक हर हाल में लोग प्रतिमा विसर्जन कर लें और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह कोविड 19 का जो गाइडलाइन है उसका वो लोग अनुपालन करें और कोई प्रोसेशन कोई जुलूस वगैरह नहीं निकलेगा, पंडाल नहीं बनेगा, पंडाल पर पूर्णतः रोक रहेगा, DJ वगैरह ये लाउड स्पीकर वगैरह उस पर प्रतिबंध रहेगा और मेला का भी आयोजन नहीं किया जाएगा। बाद में सरकार का जो गाइडलाइंस होगा और इसके अतिरिक्त जो है फिर अभी हम लोगों को ऊपर से मतलब वरीय पदाधिकारी या डिपार्टमेंट से जो है अभी कोई गाइडलाइन नहीं मिला है, अगर वहाँ से फिर आता है तो पश्चात फिर एक बैठक बुलाई जाएगी और उसके बाद जो है इन लोगों के वो उसके बारे में जो है सूचना दी जाएगी। इस बार पुलिस के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण भरा समय है कि एक तो कोरोना काल, ऊपर से चुनाव और साथ में दुर्गा पूजा, और दुर्गा पूजा के जस्ट 2 दिन बाद चुनाव का आयोजन हुआ है, तो उसको देखते हुए हम लोग जितना प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो सक्षम होगा वो हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर के लिए पर्याप्त बल हम लोग को उपलब्ध है, 6 कंपनियां यहाँ आई हुई हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में जहाँ जहाँ निर्देश होगा उसके अनुसार बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और हम लोग शांति से पूजा का भी सफल आयोजन कराएंगे, उसके अलावा इलेक्शन भी हम लोग शांतिपूर्वक से। क्या कुछ खास गाइडलाइन जारी की गई? गाइडलाइन जब जारी होगी तो आपको हम लोग बता देंगे उस संबंध में।